विदिशा जिले के कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पथरिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पथरिया में गांधी चौपाल के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आकर अपनी समस्याएं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया। इस अवसर पर शिविर में आयोजक विधानसभा 2018 के प्रत्याशी सुभाष बहुत एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर नागरिकों की समस्याओं को सुनेगा और उनका हल करने का प्रयास करेगा। जिला पंचायत सदस्य गगनेंद्र रघुवंशी एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पांचों विधानसभा क्षेत्र इस बार कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिल्पी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने कहा कि भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई, हम सब मिलकर समस्याओं का हल कराएंगे। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। आसपास के गांव कस्बा ताल तक है, इकलौत के हैं, अन्य गांव से भी यहां आए हैं। आज हमने जो फोन पर हमें हमारे मित्रों ने समस्याएं बताई थी वो हमने आपको दे रहे हैं ज्ञापन, लेकिन अनेकों समस्याएं आज लगभग अभी 150 से 200 समस्याएं हमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को अलग अलग गाँव के लोगों ने नोट करा दी है। लेकिन शाम 6 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम या शिविर चलेगा कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और गांधी चौपाल के तहत हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने हमें निर्देशित किया है कि हर कार्यकर्ता गांव गांव घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुने और गांधी चौपाल के तहत समस्याओं को एकत्रित करके हमारी ओर से ज्ञापन बना के हम गरीबों का ज्ञापन आवेदन भी उनका खर्चा नहीं कराना चाहते, इस कारण हम आवेदन ज्ञापन बनाकर आपको अपनी तरफ से देंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हमने गंजवासियों का तहसीलदार साहब को परसों ज्ञापन दिया है, वहाँ कुल्हार के आसपास की समस्याएं हैं, अनेकों गांव की समस्या यथावत वहीं के वहीं खड़ी है। अनेकों सालों से हम ज्ञापन की समस्या, पानी की समस्या यहाँ आई कुल्हार में भी है। अभी हमने कई जगह शिविर लग रहे हैं, हमारे हर गाँव में शिविर लग रहे हैं। अगला गुरुवार को हम बामोरी शाला में शिविर लगाने वाले हैं, यही वाला आपको शायद वहां भी जन समस्या निराकरण के लिए हमारा ज्ञापन लेने आना पड़े। आग्रह ये कर रहा हूं कि आप, हम लोग ज्ञापन दे देते हैं पर उतनी वजनदारी से जो कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ज्ञापन पे कार्यवाही करें और हमें बता भी दें कि इसमें आपने ये कार्यवाही की है शासन स्तर पे, ताकि हम अगले शिविर में अगले माह इसी दिन हम जाए उपस्थित होंगे तो नागरिकों को बता सके कि शासन ने आपकी ये कार्यवाही की है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि कार्यवाही नहीं होगी तो कार्यवाही का जो हम विवरण इकट्ठा कर रहे हैं उसके बाद हम हजारों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन आंदोलन और सुरंग में भी हम रैली निकालने के लिए बाध्य होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। आपको अभी ज्ञापन हम देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को परेशान होना पड़ता है, उन्हें प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है, गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, अतः पथरिया में शासकीय हाई स्कूल खोला जाए। नंबर 9, पथरिया में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, नहीं होने के कारण व्यक्ति को छोटे इलाज कराने के लिए भी सरोज अथवा विदिशा जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, अतः तत्काल प्रभाव से पथरिया में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। नंबर 10, पथरिया के पंचायत सचिव की मनमानी से ग्राम स्तर है त्रस्त है, जिस प्रकार सचिव को पथरिया में निलंबित किया गया है वही पंचायत सचिव अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण उसी पंचायत में बहाल होकर आ गया है। पिछले कार्य में काफी भ्रष्टाचार उक्त पंचायत सचिव द्वारा किया गया था, अतः तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव को पथरिया पंचायत से हटाया जाए और उनके 5 वर्ष पूर्व के कार्यकाल की जांच की जाए एवं तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए। नंबर 11, महोदय इसी तरह ग्राम प्यारा खेड़ी के ग्राम प्यारा खेड़ी महुआ वाले मोहल्ला जो की शासकीय माध्यमिक शाला प्यारा खेड़ी से लगा हुआ है, यहाँ पर पोलिंग बूथ भी है, फिर भी यहाँ पर अटल ज्योति लाइट की शुरुआत नहीं हो पाई है। ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ पर केबल लाइट जब से डाली गई है तब से ही शुरू नहीं हो पाई, गांव के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी अपनी डोरी खींचकर लाते हैं जो कि
जनमानस के लिए कभी भी खतरा पैदा कर सकती है। ग्रामीण भाइयों ने निवेदन किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र अटल ज्योति लाइट चालू कराई जाए, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। इसके अलावा ग्रामीण में डीपी मांग कर रहे हैं जो कई वर्षों से पड़ी है कि जो पड़ी है गांव में नल जल योजना का पानी भी सप्लाई नहीं हो पाता। अतः प्यारा खेड़ी गांव में अटल ज्योति डीपी और नल जल योजना की समस्या का हल करने का कष्ट करें। अतः विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अनेकों वर्षों से विकास के मार्ग पर पिछड़ी पथरिया पंचायत और आसपास के ग्रामीणों की निम्न समस्याओं का जनहित में शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें एवं ज्ञापन प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है वह लिखित में बताने का कष्ट करें, जिससे ग्रामीण नागरिकों में ग्राम में ही जाकर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का अवगत करा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।